Hello friends, welcome to the channel English 360. I am Dheeraj Garg and today we are going to read the 5th chapter from our class 10 English book First Flight, and the name of the chapter is The 100 Dresses. And there are two parts of this particular chapter, The 100 Dresses, part 1 and part 2. And in today's lecture we are going to cover the part 1. So this chapter is about a young Polish girl whose name is Wanda Petronski. तो ये चैप्टर एक सेंसिटिव चैप्टर है जो हमें ये दिखाता है कि कई बार कुछ लोग जो इमिग्रेंट्स होते हैं, इमिग्रेंट्स मीन्स सपोज इफ अ पर्सन लिव्स हिज ओन कंट्री एंड इफ ही इमिग्रेट्स टू सम अदर कंट्री, तो वो वहाँ के लिए इमिग्रेंट बन जाता है और वहाँ जाकर जो लोग हैं उस कंट्री के उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिकॉज ही दैट पर्सन हैपन्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम देम. तो उस चैप्टर के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है कि जो एक पोलिश गर्ल है, पोलैंड की गर्ल है वेंडा पेट्रोन्स्की, जिसका नेम भी डिफरेंट है, और वो अमेरिकन एक सिटी में जाके रहने लग जाती है उसकी फैमिली, और वहाँ एक स्कूल में जाती है. तो जो अमेरिकन सिटी के उस स्कूल की जो गर्ल्स है उस लड़की को थोड़ा डिफरेंट वो पाते हैं एंड दे स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ हर, यू कैन से हर पॉवर्टी, हर डिफरेंट नेम, हर बिहेवियर, तो इन सब चीज़ों का वो मजाक उड़ाने लग जाते हैं. तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव आप ये कह सकते हैं कि चैप्टर है, एक आर्टिस्टिक वे में राइटर ने इसको प्रेजेंट किया है और इस इशू को एक सामने लेके आए हैं राइटर. सो दिस इज़ क्वाइट, यू कैन से, इंटरेस्टिंग स्टोरी. और जो भी मतलब मेन स्ट्रीम से जो डिफरेंट होता है जो पर्सन, सपोज हम अगर हमारे यहाँ पे इमिग्रेंट करते हैं, कोई चाइनीज़ या कोई और लोग हमारे यहाँ आके रहते हैं, तो मेन स्ट्रीम का मतलब हम इंडियन से थोड़ा वो डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट उनका थोड़ा रवैया रहता है. सो इस चीज़ को लेके मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वी शुड ऑल बी लार्ज हार्टेड इनफ टू अकोमोडेट दिस डाइवर्सिटी. सो ये एक मैसेज है इस चैप्टर का. सो वी स्टार्ट द पार्ट वन. Today, Monday, Wanda Petronski was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. तो आज मंडे का दिन था और वेंडा पेट्रोन्स्की जो थी अपनी सीट पर नहीं थी और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया था, यहाँ तक कि उन लड़कियों ने भी नहीं जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट किया था, जिनके नेम थे पैगी एंड मैडलिन. मैडलिन को यहाँ पे मैडी कहा जाएगा शॉर्ट में. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. तो कहते हैं कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की थी वो यूजली कहाँ बैठती थी, रूम नंबर 13 की जो लास्ट रो की लास्ट सीट थी उससे पहले वाली सीट पर वो बैठा करती थी, और वो रूम के उस कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पे ऐसे रफ लड़के बैठते थे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे. वो ऐसा कोना था जहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन पर पैरों के घिसटने की आवाज़ें आती थी, और जहाँ पर अगर क्लास में कुछ भी अगर कोई फ़नी बात हो तो सबसे ज़्यादा ठहाके भी उसी कोने से लगते थे, और उसी कोने के फर्श पे सबसे ज़्यादा क्या होता था, सबसे ज़्यादा मिट्टी वहाँ पे होती थी, तो वो उस कोने में बैठा करती थी. वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. Wanda इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी कि क्योंकि वो भी उन लड़कों की जैसी रफ और नॉइजी थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, बल्कि इसके विपरीत था, वो तो काफ़ी चुपचाप रहने वाली लड़की थी और वो तो रेयरली कोई बात कहती थी, उसके मुँह से कुछ भी निकलवाना बड़ा मुश्किल होता था. And nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. और कहते हैं कि आज तक किसी ने उसको जोर से हंसते हुए भी नहीं सुना था. हाँ, कई बार क्या होता, वो एक अजीब सी, एक ऑकवर्ड सी स्माइल दे देती थी अपने मुंह को थोड़ा सा, यू कैन से, ट्विस्ट करके, बस इतना सा ही उसके चेहरे पर हंसी आ जाती थी, इसके अलावा कभी ज़्यादा वो जोर से हंसती भी नहीं थी. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronski once she sat in the corner of the room. तो किसी को भी कुछ नहीं पता था कि वेंडा उस सीट पे क्यों बैठा करती थी पीछे के कॉर्नर में जहाँ रफ बच्चे बैठते थे. हाँ, इसका एक कारण ये हो सकता था क्योंकि वो बोगिंस हाइट से आती थी और उसके पैरों के काफ़ी ज़्यादा ड्राई जो है वो डर्ट लगा होता था, मिट्टी लगी होती थी, सूखी उसकी पपड़ियाँ बनी होती थी मिट्टी की, और शायद हो सकता है कि वो तभी उस कोने में बैठती होगी. लेकिन
कोई भी वेंडा पेट्रोंस्की की ज़्यादा परवाह या उसके बारे में सोचा नहीं करता था एक बार जब वो अपनी सीट पे बैठ जाया करती थी उस कोने में। द टाइम वैन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम वैन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन वैन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। और किस टाइम वो वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में सोचा करते थे वो बच्चे, स्कूल आवर्स के बाद, या तो नून टाइम में जब वो स्कूल वापस आ रहे होते या मॉर्निंग में स्कूल लगने से पहले जब दो या तीन या ज़्यादा लड़कियों का ग्रुप क्या किया करता, हंस रहा होता, बातें कर रहा होता जब वो स्कूल के अंदर आ रहे होते स्कूल यार्ड की तरफ। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर। तो वो कुछ लड़कियाँ रुक जाया करती थी उस टाइम स्कूल के, आप ये कह सकते हो अंदर का जो स्पेस था आंगन जैसा था, तो ताकि वो वेंडा के साथ क्या कर सके, उसका मजाक उड़ा सके। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर एंड नोबडी नोटिस हर एबसेंस अगेन। अगले दिन ट्यूजडे को भी वेंडा स्कूल में नहीं आई और किसी ने फिर से उसकी एबसेंस को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेंसडे पेगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वेंडा वॉजंट देयर। लेकिन वेंसडे को क्या हुआ, पैगी और मैडी नाम की जो दो लड़कियां थी जो कि फ्रंट सीट पे बैठा करती थी उन बच्चों के साथ जिनके अच्छे मार्क्स आते थे और जो अपने साथ मिट्टी भी नहीं लेके आते थे, मिट्टी वाले रास्ते से भी नहीं आते थे, तो उन दोनों लड़कियों ने नोटिस किया वेंसडे को कि वेंडा पेट्रोंस की क्लास में नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। और जो पैगी थी वो क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी, वो सुंदर थी, उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े थे और उसके बाल भी घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड और उसकी सबसे करीबी दोस्त कौन थी, मैडी थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और क्यों उन लोगों ने उसकी एब्सेंस को नोट किया था, क्योंकि उसकी वजह से, वेंडा पेट्रोंस्की की वजह से वो लड़कियाँ स्कूल आने को लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम। क्योंकि वो जो अपने घर से स्कूल आ रहे थे तो जो पैगी और मैडी थी वो इंतज़ार करने लगी वेंडा पेट्रोंस्की का ताकि वो उसके साथ मजाक कर सके, लेकिन वेंडा नहीं आई थी जिसकी वजह से वो दोनों लड़कियां स्कूल के लिए लेट हो गई थी और तभी उनको नोटिस में आया था कि वेंडा पेट्रोंस्की स्कूल नहीं आ रही है कुछ दिनों से। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विद हर। और अक्सर वो लड़कियाँ उसका इंतज़ार किया करती थी वेंडा पेट्रोंस्की का ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। वेंडा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। या देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वॉज। तो ये जो नेम था वेंडा पेट्रोंस्की, देखिए एक पोलैंड से आई हुई लड़की है अमेरिका के अंदर, तो उसका नेम भी पॉलिश होगा, तो वो डिफरेंट था, इट वॉज अ बिट अनयूजुअल बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, तो इसलिए वो उनको थोड़ा ओड लगता था उन बच्चों को अमेरिकन स्कूल के अंदर, और वो उसका मजाक भी उड़ाया करते थे और कुछ और रीजंस भी थे विच विल बी डिस्कस नाउ। तो जो उस रूम नंबर 13 के अंदर जो क्लास थी उसमें बच्चों के नाम वैसे नहीं थे, उनके नेम्स इजी थे लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। हाँ एक लड़का ज़रूर था जिसका नाम थोड़ा सा फ़नी था, जिसका नाम था विली बाउंस, बट वो भी इतना फ़नी नहीं था जितना कि ये जो पेट्रोंस्की नाम था। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वेंडा जो है उसके कोई दोस्त नहीं थे, वो अकेली आती थी स्कूल और अकेली ही घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस एंड डिड नॉट हैंग राइट। वो हमेशा एक फेडेड सी, जिसका कलर फेड हो चुका था, ऐसे एक ब्लू ड्रेस पहनती थी, हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी वो, और जो वो मतलब लूजली वो फिटेड थी, मतलब वो भी अच्छे से उसके फिट नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली। वो साफ तो दिखती थी ड्रेस, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसे कभी प्रॉपर तरीके से उसे आयरन नहीं किया गया हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसके कोई दोस्त तो नहीं थे उस लड़की के, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ उससे बातें जरूर करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। कई बार वो लड़कियाँ उस वेंडा पेट्रोंस्की को स्कूल के आंगन में घेर के खड़ी हो जाया करती थी जब वो वेंडा छोटी लड़कियों को, जो स्कूल का ग्राउंड था जो कि स्मूथ हो जाता था, मतलब काफ़ी बार काफ़ी पुराना होने के कारण, तो उसके ऊपर वो हॉपस्कॉच नाम का एक गेम खेला करती थी, जो कि आप कह सकते हो कि स्क्वेयर मार्क्ड जो होते हैं ना उनके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर बच्चे एक उसके ऊपर उछलते और खेलते हैं, डैट इज़ कॉल्ड हॉपस्कॉच। वेंडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन।
तो पैगी नाम की जो लड़की थी, जो सबसे पॉपुलर थी, जो सुंदर थी, जिसके पास काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थी, तो वो बड़े कर्टियस अंदाज में एक बहाना, एक झूठी कर्टसी दिखाते, मतलब एक विनम्रता के साथ वो इस तरह से बात करती थी वेंडा से, जैसे कि वो अपनी टीचर मिस मैसन से बात कर रही हो। इतने बनावटी रिस्पेक्ट से उससे कहा करती थी वेंडा। वेंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ आवर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। तो वो अपनी एक फ्रेंड को हल्का सा नज कर देती, हाथ से एक थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि धक्का मार देती, मतलब जैसे किसी का मजाक उड़ाते हैं तो बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। और फिर ये पूछती उससे, वो एक इशारा होता मतलब अपनी फ्रेंड्स को थोड़ा सा नज करती कि देखो देखो अब ये क्या बोलने वाली है। कहते कि वेंडा ये बताओ कि तुमने क्या बताया था कि तुम्हारी जो अलमीरा है, जो क्लोसेट है, उसके अंदर कितनी ड्रेसेज है तुम्हारे पास। 100 वेंडा वुड से, और वेंडा कह देती मेरे पास 100 ड्रेसेज है। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। और वो जो लड़कियां थी वहां पे जो उसे घेर कर खड़ी हो जाया करती, वो बड़े ही इनक्रेडुलसली मतलब अनबिलीवेबल वे में एक्सक्लेम करती, हैरानी से जाती, कहती तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं। और जो छोटी लड़कियां वहां पे हॉपस्कॉच खेल रही होती, वो भी खेलना बंद करके उनकी बातें सुनने लग जाती। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। वो कहती हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है, सारी लाइन में लगी हुई है मेरी क्लोसेट में। और उसके बाद उसके जो पतले से जो होठ थे वो चुप्पी में बंद हो जाते थे। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। तो पैगी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती अरे वो कैसे दिखती है सारी ड्रेसेस, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि सारी सिल्क की होंगी। पैगी ऐसे बोल देती, ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो वो कहती हाँ सारी सिल्क की है, सारे अलग अलग कलर्स की है। वेलवेट टू, कहती वेलवेट की भी है। या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। तो वेंडा कहती हाँ वेलवेट भी है, बड़े ही एक्सप्रेशनलेस तरीके से कहती, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं आते, एक स्टॉलिड तरीके से बोलती वो, और कहती मेरी क्लोसेट के अंदर, मेरी अलमीरा के अंदर सभी लाइन में लगी हुई है। देन दे वुड लेट हर गो, एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। उसके बाद वो लड़कियाँ उसे जाने देती है, और उससे पहले कि वो कोई ज़्यादा दूर गई नहीं होती तो वो ज़ोर ज़ोर से उन लड़कियों की हंसने की चीखें और ठहाकों की आवाज़ें आती। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, सो वाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी। तो वो लड़कियाँ इसलिए उसका मजाक उड़ाया करती थी क्योंकि वेंडा उनको कहा करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, लेकिन डेली स्कूल में वो एक ही फेडेड सी ब्लू ड्रेस डाल के आती, तो ऑब्वियस था कि उसके पास सिर्फ वो एक ही ड्रेस थी, तो फिर वो क्यों कहती थी वो लड़की कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, क्यों वो ऐसे कहानियाँ बनाती थी। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, कभी कभार वो उसे शूज़ के मैटर पे उसका मजाक उड़ा दिया करती, कहती कि अरे तुमने कितने शूज़ बताया था कि कितने शूज़ हैं तुम्हारे पास। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। तो वेंडा जवाब देती कि 60 पेयर शूज़ हैं मेरे पास, और सभी मेरी अलमीरा में लाइन में रखे हुए हैं। 60 क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। और उसके बाद जानबूझ के जो एक होते ना यू कैन से सार्केस्टिक टोन में एक किसी को झूठी पोलाइटनेस दिखाते हुए वो लड़कियाँ सारी इकट्ठा बोलती, अच्छा सारे शूज़ एक ही जैसे हैं, क्योंकि वेंडा पेटोंस्की एक ही तरह के शूज़ पहनती होगी, बिकॉज शी वॉज अ पुअर गर्ल एंड शी कुडंट अफोर्ड ऑल दोज थिंग्स। तो कहते सारे एक ही जैसे, ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। तो वेंडा पेटोंस्की कहती नहीं अरे सभी अलग अलग हैं, अलग अलग कलर्स के और सभी लाइन में लगे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। इस गेम का जो ईजाद किया था इसको पैगी ने किया था, मतलब स्टार्टिंग इसकी पैगी ने की थी, और मैडी जो थी उसकी ऐसी दोस्त से कभी अलग नहीं हो सकती थी, इनसेपरेबल फ्रेंड थी, वो हमेशा लास्ट में जाते थे। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। और उसके बाद वेंडा जो है वो चल पड़ती अपने गली से होते हुए, उसकी आंखों में डलनेस थी, उसका मुंह बंद रहता था, और वो उसकी एक आदत थी एक फ़नी वे में वो चलते चलते अपना लेफ्ट शोल्डर जो थी वो हिच कर देती थी, थोड़ा सा उसे ऊपर करके चलती थी या उसको एक झटका दे देती थी, और इस तरीके से वो अपने घर से स्कूल या स्कूल से घर वो जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सो एनी एनिमल मिसट्रीटेड। If anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat Vanda, she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie?
And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. तो ऐसा नहीं था कि जो पैगी थी वो इतनी मतलब निर्दयी थी, वो निर्दयी नहीं थी, वो छोटे बच्चों को बुलीज से प्रोटेक्ट किया करती। बुलीज होते हैं जो अपना रोब जमा के रखते हैं बच्चों के ऊपर, बड़े बच्चे, और वो अगर किसी जानवर के साथ कोई बुरा बर्ताव होते देख लेती तो वो घंटों तक रोया करती थी। लेकिन अगर कोई उसे कभी ये पूछता कि क्या तुम जो ये वेंडा पेट्रोंस्की के साथ करती हो, क्या ये क्रूएल वे नहीं है उसको ट्रीट करने का, तो वो बड़ी हैरान होती, कहती क्रूएल कैसे है, वो लड़की कहती क्यों है कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं। कोई भी ये बात बता सकता है कि वो एक झूठ बोल रही है, और वो झूठ क्यों बोले फिर, और कहते कि वो, और कोई भी कह सकता है कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन तो है नहीं हम जैसे, वरना उसका नाम ऐसा क्यों है, हम सबसे अलग। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कभी वेंडा पेट्रोंस्की को रुलाया नहीं, सिर्फ वो उसका मजाक ही उड़ाया करती थी। As for Maddie, this business of asking Vanda every day how many dresses and how many hats, how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness, she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. तो कहते हैं कि जो मैडी थी उसकी फ्रेंड, तो उसको जो उसकी फ्रेंड पैगी पूछा करती वेंडा पेट्रोंस्की को डेली की कितनी ड्रेसेस उसके पास, कितने हैट्स है, कितनी ये चीज़ें, कितनी वो चीज़ें, तो ये बात उसे थोड़ा बोदर कर रही थी। मतलब उसे अच्छा नहीं लगता था। मैडी जो थी वो खुद गरीब थी, वो खुद किसी के दिए हुए पुराने कपड़े हैंडमी डाउन क्लोथ्स पहना करती थी, और वो कहती थी चलो भगवान का शुक्र है कि वो बोगिन्स हाइट्स पे नहीं रहती और उसका नेम जो है वो वेंडा की तरह फनी नहीं है, वरना लड़कियाँ उसका भी मजाक कहीं ना उड़ा दे। Sometimes when Peggy was asking Vanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. तो कई बार पैगी जो उस वेंडा पेट्रोंस्की से वो क्वेश्चन उस मजाकिया लहजे में पूछ रही होती जानबूझ के पोलाइट आवाज़ में, तो मैडी जो थी वो एम्बेरस फील करती, शर्मिंदगी होती उसे, और वो अपने हाथ के हथेली में जो कंचे रखे होते हैं उनको इधर उधर रोल करने लग जाती और खुद कुछ भी नहीं कहती। Not that she felt sorry for Vanda exactly. She would never have paid any attention to Vanda if Peggy hadn't invented the dresses game. ऐसा नहीं था कि एक्चुअल में उसे वेंडा के लिए दुख होता था, वो खुद वेंडा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देती अगर पैगी ने ये गेम इन्वेंट ना किया होता ड्रेसेस वाला। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टिंग इन ऑन हर नेक्स्ट, कहती लेकिन मान लो अगर पैगी और जो और लड़कियाँ थी वो अगली बार टारगेट किसको बना ले, मैडी को ही ना बना ले। She wasn't as poor as Vanda perhaps, but she was poor. वो इतनी गरीब तो नहीं थी जितनी वेंडा पेट्रोंस की थी, लेकिन फिर भी मैडी जो थी वो गरीब थी। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Vanda Petronsky. तो वो सोचती थी कि उसके अंदर इतनी सेंस तो है कि वो वेंडा की तरह ये झूठ थोड़े बोलेगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेज, अगर कभी मेरा मजाक भी उड़ा, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती थी कि वो उस पर कभी ये चीज़ें आजमाए, मतलब उसका भी कभी मजाक उड़ाए। तो वो चाहती थी दिल से कि जो पैगी है उसकी फ्रेंड वो वेंडा पेट्रोंस्की को मजाक उड़ाना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वाज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। हालांकि आज वो स्कूल के लिए लेट तो हो गई थी दोनों लड़कियां, लेकिन मैडी इस बात को लेकर खुश थी कि आज वेंडा का मजाक नहीं उड़ेगा। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और वो कहीं खोए हुए अपनी अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करने लगी, 8 times 8, लेट्स सी। She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Vanda how many dresses she has." तो वो सोचती थी कि काश उसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो पैगी को एक नोट लिख दे, अपनी फ्रेंड को एक नोट लिख दें, क्योंकि उसको ये तो पता था कि वो सीधा जाकर उससे नहीं कह पाएगी, उतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर। तो वो नोट में लिखना चाहती थी कि हे पैग, ये जो वेंडा को हम लोग पूछते हैं ड्रेसेस कितनी है उसके पास, ये पूछना बंद कर दो। When she finished her arithmetic and she did start a note to Peggy, suddenly she paused and shuddered. और जब उसने arithmetic solve कर लिया तो उसने एक नोट लिखना भी स्टार्ट किया पैगी को, लेकिन अचानक से वो रुक गई और कांपने लगी। She started shuddering. She pictured herself in the school yard and a new target for Peggy and the other girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. तो अचानक से वो क्या विजुअलाइज करने लग जाती है मैडी डर के मारे कि वो अगला टारगेट बन गई है पैगी और उसकी दोस्तों का, और
पैगी जो है उससे पूछ रही है कि जो ड्रेस तुमने पहनी हुई है वो किसकी ड्रेस है, तो उसको एडमिट करना पड़ेगा कि ये पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है जो मैडी की मदर ने कुछ ट्रिमिंग्स वगैरह करके कुछ उसके ऊपर छोटी छोटी कतरने लगा के कपड़े की, शायद इस तरीके से उसको ऑल्टर कर दिया है कि किसी को वो पहचान में नहीं आएगी कि ये ड्रेस पहले पैगी पहना करती थी। तो कहते कि जो है वो मतलब अपने आप को ये सोचने लगी कि कहीं कल को वही जो है अपनी फ्रेंड का टारगेट ना बन जाए। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। तो कहते हैं कि अगर वो खुद ही अपनी मर्जी से वेंडा का मजाक उड़ाना बंद करे तभी कुछ ऐसा पॉसिबल है। और उसके माइंड में जो अनकंफर्टेबल थॉट्स आने लगे तो वो अपने छोटे छोटे सुनहरे बालों के अंदर हाथ फेरने लगी और उन थॉट्स को भगाने की कोशिश करने लगी। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता था। स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। तो वो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाती, वो जो नोट लिखना स्टार्ट कर देती है वो उसे फाड़ देती है। और वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड भी थी और पैगी जो थी वो उस होल रूम के अंदर पूरे रूम के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। और उसको लगा कि पैगी कुछ सच में बहुत ज़्यादा गलत नहीं कर सकती क्योंकि पैगी इतनी पॉपुलर है, सभी उसको इतना मानते हैं। एज फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन वॉगिंस हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और जहाँ तक वेंडा का सवाल था, वो एक ऐसी लड़की थी जो वॉगिंस हाइट्स पर रहती थी और स्कूल में अकेले ही आती थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो कभी मुश्किल से ही किसी को कुछ बात कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज। एकमात्र टाइम जब वो बात किया करती थी वो स्कूल यार्ड के अंदर अपनी 100 ड्रेसेज की बात करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेज, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स। मैडी याद करती है कि एक बार उसने अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था कि एक पेल ब्लू कलर की ड्रेस है जिसके ऊपर कलर ट्रिमिंग्स लगी हुई है, और जो छोटी छोटी कपड़े की कतरने। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर डेट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश। और उसे याद आया कि एक बार उसने बताया कि मेरे पास एक ऐसी ड्रेस है जिसमें चमकीले गहरा हरे रंग की ड्रेस है और उसके ऊपर एक रेड कलर की पट्टी लगी हुई है। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। और लड़कियों ने झूठा ही उसे एडमायर करते हुए उस ड्रेस के बारे में कहा था वेंडा पेट्रोंस्की को कि तुम उस ड्रेस के अंदर एक क्रिसमस ट्री के जैसी लगोगी। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेज ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्रॉइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। तो वेंडा और उसके 100 ड्रेसेज के बारे में जो कि उसने कहा कि उसके अलमारी में लगी हुई है, मैडी जो है अब किस बारे में सोचने लगी, उन बातों को सोचते कि एक स्कूल के अंदर एक कॉम्पिटिशन हुआ था ड्रॉइंग का और कलरिंग का, उसके बारे में सोचने लगी कि उसे कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेज एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। तो लड़कियों को इस कॉन्टेस्ट में क्या करना था, ड्रेसेज डिज़ाइन करनी थी और लड़कों को इस कॉन्टेस्ट के अंदर मोटर बोट्स डिज़ाइन करने थे। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। तो मैडी सोचती है कि उसकी फ्रेंड पैगी ही जीतने वाली है गर्ल्स में तो ये मेडल, क्योंकि पैगी उस रूम में और लड़कियों से सबसे बेहतर ड्रॉ करती थी। एटलीस्ट डेट्स वट एवरीबडी थॉट, कम से कम इतना हर कोई मानता था कि पैगी अच्छी ड्रॉइंग करती है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो डैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। उसकी ड्रॉइंग इतनी अच्छी थी कि अगर वो मैगजीन में किसी फिल्म स्टार की या किसी की फोटो देख लेती, अगर उसकी ड्रॉइंग बना देती तो आप ऑलमोस्ट बता सकते थे कि ये किसकी ड्रॉइंग बनी है, ये फेस किसका है। ओ मैडी वो श्योर पैगी वुड विन, अरे मैडी को तो इस बात का श्योर था कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमोरो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। उन्होंने सोचा कि कल जो है वो टीचर विनर्स अनाउंस करने वाली है तो कल उन्हें पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, और अगले दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू वॉगिंस हाइट्स। तो देखिए आज का जो डे था हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और उन्होंने जल्दी से स्कूल जाने की कोशिश की क्योंकि आज रिजल्ट भी अनाउंस होना था कॉम्पिटिशन का। तो नेचुरल सी बात थी ऐसे दिन जो ड्रिजलिंग भी हो रही थी तो वो उन लोगों ने वेंडा पेट्रोंस्की का वेट नहीं किया। ओलिवर स्ट्रीट के उस कोने पे उस गली के पास जो कि रेल रोड ट्रैक्स के नीचे से और पहाड़ियों के ऊपर से होते हुए वॉगिंस हाइट्स तक जाती थी। एनीवे दे वरंट टेकिंग एनी चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इंपॉर्टेंट, और आज के दिन वो लेट भी होना नहीं चाहते थे, रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि आज का दिन इंपॉर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी।
तो पैगी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज विनर्स अनाउंस करेगी? मैडी से पूछती है पैगी, जब दोनों स्कूल जा रही होती है। ओ आई होप सो, द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। तो मैडी कहती है, अरे जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे स्कूल में उसी टाइम रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन पैग। होप सो, सेड पैगी ईगरली। तो पैगी बड़ी उत्सुकता से कहती है, उम्मीद करती हूँ कि मैं ही जीतूँ। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड। और जैसे ही उन्होंने क्लासरूम में एंटर किया एकदम से उनके कदम रुक गए और वो गहरी सांसें लेने लगी लड़कियाँ सरप्राइज में। देयर वर ड्रॉइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिजाइंस ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। तो कमरे में जहाँ देखो वहाँ हर एक शेल्फ पे, हर एक विंडो सिल पे, जो जगह होती है विंडो के पास, बड़ी ही सुंदर डेजलिंग चमचमाते चमकीले कलर्स और बड़े शानदार डिजाइंस की, ठीक है, जो रैपिंग पेपर की बड़ी बड़ी शीट्स थी उनके ऊपर की हुई डिजाइनिंग्स, मतलब जो ड्रेसेस के जो डिजाइन थे उनकी पेंटिंग्स पड़ी हुई थी। देर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और लगभग वो 100 के करीब थी और सारी लाइन में लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्रॉइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट दे वर। और उन लड़कियों ने सोचा कि शायद ये कॉन्टेस्ट वाली ड्रॉइंग्स यही है, और वो थी एक्चुअली। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। हर कोई वहाँ रुक रहा था, सीटियाँ बजा रहा था, या धीरे धीरे आपस में वो लोग एडमायरिंगली प्रशंसा करते हुए बातें भी कर रहे थे। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज एंड शी सेड, एंड दिस एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेज बाय ऑल द अदर बॉयज। और जैसे ही क्लास असेंबल हुई मिस मैसन ने विनर्स अनाउंस कर दिए। उन्होंने कहा कि जहाँ तक बॉयज़ का सवाल है, जैक बेगल्स ने जो है वो कॉम्पिटिशन जीता है और उसने एक आउटबोर्ड मोटर का जो डिज़ाइन बनाया था वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन के लिए रखा है, जहाँ पे और लड़कों के स्केचेस भी जो उन्होंने बनाए थे वो भी हैं। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, ऑल्दो जस्ट वन और टू स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटिफुल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। तो मिस मैसन ने कहा, जहाँ तक लड़कियों के कॉम्पिटिशन की बात है, ज़्यादातर लड़कियों ने एक या दो ही डिज़ाइन सबमिट किए थे, और एक लड़की, और जिस पे कि रूम 13 को प्राउड होना चाहिए, उसने 100 डिज़ाइन उसने जो है वो सबमिट किए, सभी डिफरेंट थे, सभी ब्यूटीफुल थे। और अगर जजेस की बात माने तो उसकी किसी भी एक ड्रॉइंग को आप उठा लो तो वो ही एक, कोई भी एक ड्रॉइंग उसकी अगर आप उठा लोगे तो वो भी विनर की हकदार है। तो कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी है ये अनाउंस करते हुए कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है गर्ल्स मेडल की विनर है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज ड्यू टू हर। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्रॉइंग्स। तो टीचर कहती है कि दुर्भाग्यवश जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट है, और जो उसे प्रशंसा, जो उसे अप्लाउज मिलना चाहिए उसे रिसीव करने के लिए यहाँ पे नहीं है वो आज, और उम्मीद करते हैं कि वो कल आ जाएगी। और क्लास अब तुम लोग क्या कर लो, लाइन बना के रूम के अंदर चुपचाप उसकी जो शानदार जो एक्सक्विजिट ड्रॉइंग्स है उनको देख लो लाइन के अंदर। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लाउज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। बच्चे जो है वो खुशी के मारे मतलब अप्लॉज करने लगे, और जो तालियां वगैरह वहाँ पे बजने लगी, और जो बॉयज थे वो क्या करने लगे, फर्श करने लगे, फर्श के ऊपर अपने पैर जो है वो स्टैम्प करने लगे, मतलब मारने लगे फर्श के ऊपर, और वो काफ़ी खुश थे। दे पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। उन्होंने क्या किया, मुँह में अपनी उंगलियाँ रखे वो विसलिंग भी करने लगे, हालांकि वो ड्रेसेस में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लुक पैग, विस्पर्ड मैडी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। तो मैडी उसे धीरे से बोलती है पैगी को कि लुक पैग, जिस ब्लू ड्रेस का उसने जिक्र किया था हम लोगों को, वो देखो वो वहाँ पे पड़ी हुई है, क्या सुंदर नहीं है वो। यस सेड पैगी, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और वो पैगी कहती है हाँ हाँ, और देखो वो ग्रीन वाली जो वो कहती थी वो वहाँ पे है, और बॉय का मतलब एक सरप्राइजिंग वर्ड है यहाँ पे। कहती है अरे, और मैं सोचती थी कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, इस लड़की के आगे तो मेरी ड्रॉइंग्स कुछ भी नहीं है। सो दिस वॉज योर पार्ट वन ऑफ द चैप्टर द 100 ड्रेसेस। थैंक यू।